नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। एक बार मैं पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूं जूनियर एडेड। जैसे आप जानते हैं कि हमारी संस्था में जूनियर एडेड हाई स्कूल का जो है बैच चलाया जा रहा है और आपको पता है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमेशा आपको फायदा मिलेगा। जो आप इच्छुक हैं वो जुड़ सकते हैं, जो इच्छुक नहीं है वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जुड़ने में क्या है, फायदा ही तो है। उसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ चीजें, कुछ अभी पूरा तरह से नोटिफिकेशन तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें सरकारी रिजल्ट पे आ गई हैं कि 3 मार्च से 17 मार्च तक फॉर्म की बात कही गई है, 18 अप्रैल को एग्जाम की बात कही गई है। इतना आप लोग एक्टिव होंगे ही, इतना आप लोग क्या कहते हैं सतर्क रहते ही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो और उसी क्रमबद्ध तरीके में दिया जाए। जैसे आपको मैंने बताया कि इतिहास जानने का स्रोत, फिर मैंने आपको पूरा पाषाण काल समझाया, तो आज सोचा क्यों ना मध्य पाषाण काल का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, ताकि जो वीडियो आपको हमारी पब्लिक साइट पे मिल रही है वो आपको एक क्रमबद्ध रूप में मिले और आप उन चीजों को तैयार कर सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, हमारी संस्था में बैच जो है वो संचालित हो चुका है। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल अपना फोन उठाना है जिस पर व्हाट्सएप पर एंट्री जूनियर लिखकर 8382966779 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, फिर आपको हमारे बैच से जोड़ लिया जाएगा। खैर, इन सब बातों के अलावा आइए ज्ञान की बातों पर आते हैं। मैं आपसे हमेशा यही कहूंगा, आप अपने मेंटल लेवल को इस हिसाब से बरकरार रखिएगा जिस हिसाब से आप पेपर सॉल्व करके सफल हो सकते हैं। ठीक है, कितना पढ़ना है यह सबसे बड़ी बात होती है, पढ़ते तो सब है, पर एक कुशल विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि कितना छोड़ना है, और उससे भी ज्यादा एक अध्यापक को पता होना चाहिए कि कितना डोज देने से हमारे मित्र, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सफल हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, ठीक उसी तरह इंटरेस्टिंग क्लास में फिगर के साथ, ब्लॉक डायग्राम के साथ, कॉलम डायग्राम के साथ चीजों को लिखते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय क्या हुआ कि सी एल कार्लाइज ने सबसे पहले मध्य पाषाण काल की खोज की। मध्य पाषाण काल को हम सूक्ष्म पाषाण काल या माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय पत्थरों के अब छोटे छोटे औजार बनने लगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि मनुष्य का दिमाग धीरे धीरे विकास करने लगा, जैसे हम ही पहले फोन नहीं थी, चिट्ठी थी, फिर फोन आने लगा, फिर मोबाइल आने लगा, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं धीरे धीरे अब ऐसा हो जाएगा कि शायद इतना छोटा सा कोई चिप आएगा, बोलेंगे तो मैसेज पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब कि मनुष्य अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी चीजों को अपने अनुरूप ढालता है इस प्रकृति को, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही होता है। तो अब क्या हुआ कि इसका नाम मध्य पाषाण काल इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय इसको सूक्ष्म पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किए गए। यही रीजन है कि इसको मध्य पाषाण काल नाम देते हैं। जैसे कि देखिए, छोटे छोटे औजारों का जब बनने लगा पत्थरों से, तो इसीलिए इसको हम माइक्रोलिथिक युग या सूक्ष्म पाषाण काल कहते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत किससे होगी, मध्य पाषाण काल से। किससे? मध्य पाषाण काल। ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक। और मध्य पाषाण काल को हम दो और नामों से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? जैसा मैंने आपसे कहा, इसके दो और नाम हैं। इसको हम सूक्ष्म पाषाण काल या माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। तो मध्य पाषाण के बारे में सबसे पहले जिन्होंने जानकारी दिया वो 1897 में सीएल कार्लाइज ने दिया, उस समय जब भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा था। अरे बाप रे, इसके बारे में जानकारी 1857 में सीएल कार्लाइज ने दिया, उस समय जब भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा था। तो मध्य पाषाण की जानकारी देने वाले जो थे, समझिएगा, इसकी जो जानकारी देने वाले थे वो थे 1897 में, कौन था? सी एल कार्लाइज।
इन्होंने सबसे पहले मध्यपाषाण काल के बारे में बताया। इनको छोटे छोटे क्या मिले, उपकरण मिले। मध्यपाषाण काल की जो संस्कृति है, इनकी भी संस्कृति आखेटक की थी, मतलब शिकार पर डिपेंड करते थे। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या हुई, तीन जो सबसे बड़ी खास बात हुई मध्यपाषाण काल में, इस समय पशुपालन का विकास हो गया, पशुपालन ये भी इनकी संस्कृति में जुड़ गया। इसके साथ साथ सांबर झील के पास विश्व का सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण अर्थात प्लांटेशन का साक्ष्य मिलता है, वो भी मध्यपाषाण में चालू हुआ। और मानव के सर्वप्रथम अस्थि पंजर भी जो पाए जाते हैं वो भी मध्यपाषाण काल में ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि देखिए, जैसे आपको याद होगा कि उच्च पुरापाषाण काल में होमो सेपियंस का उदय हुआ, लेकिन पुरापाषाण काल में कोई भी मानव के अस्थि पंजर नहीं मिले, कंकाल मिला था। लेकिन अब मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि मानव के अस्थि पंजर भी मिलना स्टार्ट हो गए। अब मानव के अस्थि पंजर मिलना स्टार्ट हो गए, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य अब एक स्थान पर निवास करने लगा। क्योंकि जब तक मनुष्य एक स्थान पर निवास नहीं करेगा, या क्या कहते हैं, उसका कहीं पर एक स्थायी निवास नहीं होगा, तब तक उसके अस्थि पंजर या एक साथ कहीं कहीं पर 11 मानो 41 मानो कंकाल के साक्ष्य मिले, एक ही साथ 41, कहीं कहीं पर तीन युग में समाधियां हैं, अभी सब बताएंगे आपको। तो इस हम बस आपको इसकी संस्कृति से परिचय करा रहे हैं। तो ये जो समाधियां मिलने लगी, एक साथ कई सारे मानव के कंकाल मिलने लगे, कई सारे कब्रें मिलने लगी, तो ये सब जो चीजों की शुरुआत हुई ये मध्यपाषाण काल में हुई, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि मनुष्य भले आखेटक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन धीरे धीरे अब वो स्थायी निवास का भी प्रमाण मिलने लगा। जैसे कि चौपानी मांडो से प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य पाए गए, तो चौपानी मांडो से अगर प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य पाए गए तो मतलब यह भी मध्यपाषाण काल में ही आता है चौपानी मांडो। तो मिट्टी के बर्तन कहने का मतलब क्या है कि अगर लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, यहां देखिए ये सब मध्यपाषाण काल की चीजें हैं, अगर ये सब मिट्टी के बर्तन लोग बना रहे हैं तो कहने का मतलब लोग एक जगह निवास कर रहे हैं, इसी वजह से ये मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। आदमी घूम घूम कर मिट्टी के बर्तन नहीं बना सकता है। तो मध्यपाषाण काल की जो सबसे खास बातें हैं वो इस प्रकार है, ऐसे लिख देते हैं हेडिंग लगाकर, मध्यपाषाण की प्रमुख बातें। सिर्फ अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ऑटोमेटिक चीजें आपकी हल होती चली जाएंगी। सोच चाहे जितनी भी बड़ी हो, पर ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिमाग का विकास कर दे, ऐसी होनी चाहिए जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि इसके बाद क्या होगा। जिस दिन आप दुनिया में दो ही प्रश्न बनते हैं, क्यों और कैसे, जिस दिन आप ये जान जाएंगे कोई चीज है तो क्यों है और अगर है तो कैसे है, उस दिन आपकी पढ़ाई आपकी जिंदगी पूरी आसान रूप से चलती रहेगी। तो इसकी प्रमुख बातें जो थी, पहली बात, मानव के सर्वप्रथम अस्थि पंजर कहां से पाए गए ये भी मैं बताऊंगा, पहले इसकी खास बात बताता हूं। मानव के सर्वप्रथम अस्थि पंजर मध्यपाषाण काल से मिले, दूसरा पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, मध्यपाषाण से मिला, तीसरा वृक्षारोपण का प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिला, मध्यपाषाण काल से, चौथा प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी कहां से मिले, मध्यपाषाण काल से। इसके साथ साथ क्या है कि मध्यपाषाण काल से या मध्यपाषाण काल के मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से दो ठो शैलाश्रय पाया गया, जिनको अलग अलग नाम दिया गया,
जम्बू द्वीप और थेरोडो द्वीप, ठीक, तो शैलाश्रय भी मिला है। शैलाश्रय इनका दो नाम है, जम्बू द्वीप और थेरोडो द्वीप। उसके साथ साथ हमने क्या बताया, इनका जीवन कैसा था, आखेटक जीवन था। आखेटक जीवन भले था, लेकिन इन तमाम जो साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिले हैं, इससे कई सारी निष्कर्ष निकलते हैं, कई सारी बातें सामने खुलकर आती हैं। किस समय जो मानव था वो स्थायी निवास करने लगा था, क्योंकि वह मिट्टी के बर्तन मिलने लगे थे, पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे थे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, गर्तावास के भी थोड़े बहुत साक्ष्य पाए गए, ठीक। गर्तावास मतलब गड्ढे करके घर बनाने का। मानव कंकाल भी कहीं मिले हैं, ठीक है। मानव के अस्थि पंजर पाए गए हैं। तो कभी भी आपको मध्य पाषाण काल की क्या कहते हैं विशेषताएं बतानी होगी, तो इससे इजी विशेषता आप कभी नहीं बता सकते हैं कि जो मध्य पाषाण काल की प्रमुख बातें हैं कि मानव के सर्वप्रथम अस्थि पंजर, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, वृक्षारोपण का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, और शैलाश्रय जिसको जम्बू द्वीप और थेरोडो द्वीप कहा गया। इसको फट से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मध्य पाषाण कालीन जो सबसे बड़ा स्थल पाया गया है दोस्तों, वो है राजस्थान का बागौर, जहां से मकान बनाने के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर मकान बनाने का साक्ष्य आ रहा है, तो कहने का मतलब कि लोग अब स्थायी जीवन के बारे में भी सोचने लगे हैं। तो मध्य पाषाण कालीन, सबसे बड़ा स्थल राजस्थान का बागौर है, जिसकी खोज बीएन मिश्र ने की थी। किसने किया था, बीएन मिश्र ने। इसके बाद हम क्या है कि आपको बढ़िया सा कॉलम में दिखा देते हैं कि मध्य पाषाण कालीन जो प्रमुख स्थल है, क्यों प्रमुख है, वहां से क्या चीजें पाई गई हैं, उसके साथ साथ और भी कहां से क्या चीजें पाई गई, उसको हम अलग से लिख कर आपको समझा देते हैं। पहले ये लाइन आप लिखिए या तो स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। चलिए हम मध्य पाषाण कालीन स्थल की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बागौर, ठीक है। बागौर जो है ये राजस्थान में है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित ये सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक आवास स्थल है, जिसकी खोज किसने किया है, बीएन मिश्र ने किया है। इसके साथ साथ बागौर से मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य भी पाए गए हैं, और यहां से पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है, और सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। लेकिन भारत के इतिहास में प्राचीनतम मकान बनाने का जो साक्ष्य मिला है, या प्राचीनतम मकान बनाने का जो स्रोत हासिल हुआ है, वो कहां से हुआ है, बागौर से। लिखिए इसको। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है लंगनाज, गुजरात में। यह प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल है, उत्खनन एसडी संकलिया द्वारा हुआ है। यहां से ठोस टीले व 14 मानव कंकाल पाए गए हैं, ठीक। 14 मानव कंकाल पाए गए हैं, तो कहने का मतलब कि ये जो मानव थे, ये 14 मानव, ये एक जगह पे होंगे या अलग अलग जगह पे कुछ दूरी में होंगे, मतलब ये एक अपना स्थायी निवास
प्रारंभ कर दिए। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार स्थायी निवास पर इसलिए प्रेशर डाल रहा हूं कि जब तक स्थायी निवास नहीं होगा तब तक हम कृषि की शुरुआत नहीं मान सकते हैं। बात समझने का प्रयास करिएगा, जब तक स्थायी निवास नहीं होगा तब तक हम कृषि की शुरुआत नहीं मान सकते। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी गई है, तो कृषि तभी होगी जब मनुष्य एक जगह रहना स्टार्ट कर देगा, और इसके जो रहने की शुरुआत के जो साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं वो मध्य पाषाण काल से होते हैं। चलिए अगला जो मध्य पाषाणिक प्रमुख स्थल है वो है सराय नहर राय, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। यहां पर स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं, मृत संस्कार की विधि के अंतर्गत समाधि स्थल शवों के सिर पश्चिम और पूर्व की तरफ होते थे, ठीक है। जैसे आज के डेट में हिंदू धर्म में उत्तर और दक्षिण माना जाता है, मरने के बाद लोगों को सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ होता है, लोग सो कहते हैं कि उत्तर की तरफ सर रख के ना सो, ये दोख होता है, अब सगुन माना जाता है। तो उसी प्रकार क्या है कि यहां पर जो सौ पाए गए हैं, ठीक है, सौ पाए गए हैं, उनका जो पैर है, पैर कहां है, क्या लिखा है, पैर पूरब की ओर है और सिर जो है वो कहां पर है, पश्चिम की ओर है। उसके साथ साथ युद्ध में हत्या का जो प्रथम साक्ष्य में कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला है, मतलब क्या कि एक कंकाल पाया गया है जिसके सिर में पत्थर घुसा है। मैं बहुत खोज रहा था, मिल नहीं रहा था वो इमेज, तो एक कंकाल पाया गया है जिसके सिर में होल है, मतलब पत्थर घुसा हुआ है। तो पत्थर तो वो खुद मारेगा नहीं, जैसे आज के लोग मूवी में दिखाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, तो पत्थर तो हो सकता, ये भी हो सकता है खुद भी मारा, लेकिन ये बहुत कम अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने खुद मारा था। हो सकता है किसी से उसकी हाथापाई हो रही हो, किसी से उसकी लड़ाई हो रही हो, तो उसी के दौरान किसी ने उसके सर में पत्थर क्या किया था, भोग दिया था। तो सबसे पहले जो युद्ध के साक्ष्य भी पाए गए हैं वो मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं, जो कि एक अनुमानित है, और वो सराय नहर राय से मिले। इसके साथ साथ यहां पर एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये सराय नहर राय को याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ प्रथम मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य, प्रथम मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। क्लियर। उसके बाद है मदहा, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहां से हड्डी के सींग की हड्डी और सींग के उपकरण पाए गए। ये आगे चलकर चिराद मिलेगा आपको, ठीक है, चिराद, जहां पर हिरण की हड्डियों से निर्मित आपको कई सारे आभूषण मिलेंगे। मतलब मनुष्य स्थायी निवास के साथ साथ अब मनुष्य क्या हुआ कि खुद के सौंदर्य पे भी क्या ध्यान देने लगा। जैसे आज की डेट में जब हम कहीं निकलते हैं तो पांच बार शीशा देखते हैं, बाल ऐसे ऐसे करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य धीरे धीरे सौंदर्य को भी क्या कर रहा है, अपनाने लगा है। उसके साथ स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य है, तो स्त्री पुरुष को एक साथ जो दफनाए जाने का साक्ष्य मिल रहा है वो भी कहां से मिल रहा है, वो भी मदहा से ही मिल रहा है। उसके साथ साथ यहां से, ठीक है, एक ही कब्र में त्रिमानव समाधि मिली है, त्रिमानव समाधि जो मिली है एक ही कब्र में पाई गई है। यहां से भी मिला है, सराय नहर राय से भी मिला है, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल, और मदहा से भी मिला है त्रिमानव समाधि, मतलब एक ही कब्र में तीन लोगों को दफनाया। खैर, अगर इस बात को फोकस ना करते हुए हम इस बात पे आते हैं कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहने का मतलब यह है कि अब यह सोचिएगा कि पुरुष मरा तो स्त्री को मारकर दफना दिया। कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि सती प्रथा का उदाहरण है कि पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया, सती प्रथा। लेकिन यह भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास था कि जैसे होता कि तुम्हारा साथ हमें सातों जन्मों तक मिले, सात फेरे होता है ना, आप लोग कहते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पुरुष के साथ स्त्री को दफनाया गया है तो हो सकता है कि लोगों को पुनर्जन्म में भी विश्वास रहा हो कि ताकि अगले जन्म में भी क्या है, हमें उसी का साथ मिले। तो ये खास बात है मदहा की और सराय नहर राय की, इसको अपनी परीक्षा के लिए ये दोनों स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद है बीरभानपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में, इसको बीबी लाल ने खोजा है। यहां पर पत्थर के औजार का निर्माण स्थली के रूप में पहचान हुई,
मतलब जो सबसे पहले आवासीय बस्ती जो पाई गई, जहां पर देखा गया कि यहां पर पत्थर के औजारों के बनाने का उद्योग है, वो जो मिला वो बीरभानपुर से मिला। आदमगढ़ क्या है? पशुपालन का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो आदमगढ़ से पाया गया है। ठीक, इसके साथ साथ यहां से शैलाश्रम से सूक्ष्म पत्थर के औजार पाए गए जो कि मध्य पाषाण कालीन के हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है पंचमढ़ी, जिसमें क्या है कि दो प्रसिद्ध शैलाश्रय इनका नाम रखा दे दिया, जम्बूद्वीप व डोरोथो द्वीप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य पाषाण कालीन की जो प्रमुख बातें थी उसमें मैंने आपको जम्बूद्वीप और डोरोथो द्वीप के बारे में बताया। तो ये क्या है, ये कुछ प्रमुख स्थल और है किसके, मध्य पाषाण काल के। दो और स्थल है जल्लाहल्ली कर्नाटक में, ठीक है, यहां पर इस तरह का फलक पाया गया है। ठीक, औजार ऐसे पकड़ने वाला, जैसे हसिया एक टाइप का होता है गांव में, हसिया तो पहले ऐसे रहता था, हसिया ऐसे, लेकिन ये डी टाइप का था। ठीक है, तो यहां से क्या है कि डी अक्षर के आकार के तीर से फलक का प्रमाण मिला। और उसके साथ साथ टेरी है, तमिलनाडु में क्या है कि यहां पर राख के टीले को टेरी कहा जाता है। अब समझिए, बहुत बड़ी बात है, राख के टीले को टेरी कहा जाता है। और ये जो राख का टीला है ये क्या बता है, पशुओं के जो अवशेष होते हैं उनको जलाया गया है और उसी से कई बहुत ज्यादा राख हो गए और एक टीले का रूप ले लिया जिसको टेरी नाम दिया। तो मतलब यहां पर बहुत बड़ा पशुबाड़ा का साक्ष्य पाया गया है। पशुबाड़ा मतलब जहां पर पशुएं रहते हैं तो उनके जो अवशेष होते होंगे गोबर वगैरह, उनको जैसे गांव में हम लोग गोबर वगैरह जब फेंक देते हैं इसको घूर कहते हैं, तो वहां उनके जो गोबर वगैरह होते होंगे अवशेष होते होंगे उनको एक जगह फेंकते होंगे और जब वो बहुत बड़े हो जाते होंगे फिर उन्हें जला दिया जाता होगा। ठीक है, क्योंकि कृषि की अभी कुछ बातें मिल नहीं रही यहां पर, कृषि नवपाषाण काल में आएगा। फिर ऐसे ही करते करते पशुओं के अवशेषों को जलाते जलाते वहां पर राख के टीले बन गए जो कि दक्षिण भारत में जिसको क्या कहा जाता है, टेरी कहा जाता है। इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे है मदहा। मदहा से क्या है, 41 मानव कंकाल पाए गए हैं, चौपानी मांडो, जहां से क्या है सबसे पुराना मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, और सांभर झील है जहां से प्राचीनतम क्या है, वृक्षारोपण के साक्ष्य पाए गए। देखिए, जैसे अगर हम यहां पर इसको समझा दें तो यहां देखिए, ये पता है कहां का है, सर्वप्रथम मानव कंकाल जो पाया गया, ये सर्वप्रथम जो मानव कंकाल पाया गया वो ऐसे ही मिला था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सराय नहर राय से, समझिए, सराय नहर राय से सर्वप्रथम मानव के अस्थि पंजर पाए गए और जब इनका ये कंकाल मिला, ये कंकाल हम लोगों के जैसे, अगर हम लोग भी जब मरेंगे हम लोगों का भी चेहरा ऐसे ही होगा चमड़ा उतर जाने के बाद। तो होमो सेपियंस जो थे अब उनका पूरा की पूरी तरह क्या हो चुका था, उदय हो चुका था। उसके साथ साथ चौपानी मांडो से, ठीक है यहां समझिए, उसके साथ साथ चौपानी मांडो से प्राचीनतम मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ऐसे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पाए गए हैं जिनका जब रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला ये सब किसके काल के हैं, मध्य पाषाण काल के, और ये कहां से मिले हैं, चौपानी मांडो से। इसको लिखिए पहले, इसके साथ लीजिए। इसके साथ साथ दो और खास बातें मैंने बताई, जैसे पहला सांभर झील से विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है, विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य पाया गया है। और एक और है दमदमा से 41 मानव कंकाल और
गढ़ता चूल्हे का साक्ष्य मिला है? गढ़ता चूल्हे का साक्ष्य मिला है, मतलब गड्ढे में चूल्हा बनाना। जैसे गड्ढे में चूल्हा बनाना, अगर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो जब हम लोग गन्ना जब पेरा जाता है, आपको पता है, तो बड़ा बड़ा कराह रखा जाता है और चूल्हा मिट्टी के अंदर रहता है, या जब कहीं लाई हुई भूजी जाती है गांव में, तो जो चूल्हा ऊपर नहीं रहता वो गड्ढा बना कर किया जाता है, जिसमें हम लकड़ी वगैरह डालते हैं, पैरा वगैरह डाल के जलाते हैं। तो वो जो चूल्हा होता है, जो अंदर रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? गढ़ता चूल्हे का जो साक्ष्य मिला है वो सबसे पहले कहां मिला है? कहां? दमदमा से। मतलब फिर यहां समझिए, चूल्हा मिलने लगा तो मतलब धीरे धीरे किसकी शुरुआत होने लगी? कृषि की। और यही शुरुआत जाकर नवपाषाण काल में अपना एक अच्छा रूप दिखाएगी, और यह कहा जाएगा कि भारत में जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? नवपाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है जहां से कुछ ना कुछ चीजें पाई गई। लेकिन मैं फिर से आपसे कहूंगा, मदहा, बागौर, आदमगढ़ और सराय नहर राय, इन्हीं केवल चार स्थलों को आप देख के रखिएगा। आपके अगर यहां से प्रश्न बनने होंगे तो यहीं से बनेंगे। बाकी अगर इनकी संस्कृति की बात की जाए तो इनकी संस्कृति यही थी, इनकी आखेटक संस्कृति थी, लेकिन पशुपालन की शुरुआत होने लगी थी, और सबसे पहले जिस पशु को ये पालतू बनाए थे वो कौन सा पशु था? कुत्ता था। चलिए इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में जब आएंगे तो हो सकता है इसके आगे नवपाषाण काल लेके आए या कोई और चैप्टर आपके सामने लेकर आए। तो चीजों को यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा, क्रमबद्ध तरीके से चीजें आपको दी जा रही हैं। बाकी आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।